सिद्धार्थनगर जिले की गिनती अति पिछड़े 8 जिलों में की जाती है, लेकिन इस पिछड़े जिले ने इस माह IGRS प्रणाली के तहत प्राप्त शिकायतों को निस्तारित करने के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाने में सफलता पाई है। हम आपको बता दें कि पहले अक्सर ये सुनने को मिलता था कि किसी भी समस्या से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत दर्ज नहीं हो रही। ऐसे लोगों की सहायता के लिए IGRS प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपनी समस्या को दर्ज करवा सकता है। बात करें बीते सितंबर सप्ताह की, तो कुल मिलाकर 470 शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से की गईं, जिन्हें निस्तारित करने में पुलिस विभाग ने खासी सक्रियता निभाई और समय सीमा के अंदर 470 शिकायतों के सापेक्ष 440 शिकायतों को निस्तारित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप इस जिले को यूपी में प्रथम स्थान पाने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यदि हम 2018 के जनवरी माह से 31 अगस्त माह की बात करें, तो कुल शिकायतों की संख्या 3209 रही। इन शिकायतों को भी पूर्णतः निस्तारित किया जा चुका है। ये शिकायतें पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल PG पोर्टल ऑनलाइन माध्यम से की गई शिकायतें, जिलाधिकारी के यहाँ की शिकायतें, ये समाधान दिवस में पीड़ित द्वारा की गई थी। खुशी की बात तो यह है कि अति पिछड़े जिलों में अब ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में विभाग खासी सक्रियता दिखाने में रुचि ले रहे हैं। न्यूज़ फ्रीडम के लिए सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। शासन द्वारा IGRS प्रणाली लागू की गई, जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए गत माह 470 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, उसमें से 440 का निस्तारण गुणवत्ता के आधार पर समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण किया गया, जिसमें प्रदेश में सिद्धार्थनगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।